सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। एक हदीस पढ़ता हूँ, सिर्फ एक हदीस पाक, मैं उसको लिख करके लाया हूँ लेकिन आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ। हदीस क्या है वो, उसके रावी हजरत अबू हुरैरा है, किताब का नाम है नूरुल अबसार, आलिम का नाम है जिसकी किताब है शोरे आफाक तस्दीर नूरुल अबसार जिनकी है वो है अल्लामा मोमिन रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब। उसका तर्जुमा उर्दू जबान में भी है और उसका तर्जुमा करने वाले अल्लामा गुलाम रसूल रजवी, उन्होंने ये तर्जुमा किया है। अब आइए वो हदीस में पढ़ता हूँ। हदीस क्या है, अब मैं कुछ नहीं सिर्फ जबान मेरी है और बात उन दोनों हस्तियों की है जिनका दोनों का जश्न आप मना रहे हैं, क्योंकि हमने हदीस का इंतखाब भी वही किया है जिसमें वो दोनों की बात एक जगह है। सैयदना अबू हुरैरा ने बयान किया है, मैं अहले इल्म की तवज्जो इसलिए चाहता हूँ कि इनको बतौर सबक ये बात सुना दूं और अगर ये तस्दीक कर दे तो मेरी बात और मजबूत हो जाए, इनकी भी तवज्जो और आपकी भी तवज्जो। देखिए पहले थोड़ा उसका बैकग्राउंड समझ दे, बस मंजर समझ दे, लेकिन चूंकि मैं फिर कह रहा हूं कि आपको ये वाकया पेश नहीं करूंगा बल्कि सिर्फ हदीस पढ़ूंगा और एक ही हदीस पढ़ूंगा और बात उसी पे खत्म होगी। हदीस तवील है, बीच बीच में थोड़ा सा कहीं जरूरत पड़ेगी तो उसमें कुछ तबसेरा कर लिया जाएगा। मेरे आका ने सलाम के प्यारे दीवानों, हुआ क्या है थोड़ा इस पर तवज्जो करें। इसमें मौला अली की सिद्दीक अकबर से मोहब्बत कैसी थी और सिद्दीक अकबर की मौला अली से मोहब्बत कैसी थी, इन दोनों में प्यार कितना था, तो उससे हमारा एक मसला ये हल हो जाएगा कि जो अपने आप को मौला अली का गुलाम कहते हैं वो ये बात समझ जाएंगे कि जब मेरा अबू बकर सिद्दीक से प्यार करता है तो मैं उनकी तौहीन कैसे कर सकता हूं, और जो लोग सिद्दीक अकबर का गुलाम अपने आप को कहते हैं उनको भी पता चल जाएगा कि जब मेरा आका अबू बकर अली से प्यार करता है तो मैं अली की तौहीन कैसे कर सकता हूं। तो ये दोनों के लिए गोया के इत्तेहाद का एक अजीम पैगाम होगा, लेकिन बैकग्राउंड क्या है, पस मंजर क्या है, पहले उसको समझ दे। हुआ ये, एक दिन ऐसा खूबसूरत आया, एक दिन ऐसा खूबसूरत आया कि उस दिन जो है मौलाए कायनात के दिल में ख्याल आया कि चलो अपने घर से निकलते हैं और घर से निकलकर रसूलुल्लाह की ज़ियारत करते हैं, आकाए करीम की ज़ियारत करते हैं। तो मौला अली अपने घर से निकले और हुजूर के दरवाजे पर, हुजूर के घर पर आए आका की ज़ियारत करने के लिए। इससे पहले कि अली दस्तक देते, इससे पहले कि अली नबी के दरवाजे पे दस्तक देते, वजह यह थी कि अक्सर सहाबा हुजूर के दरवाजे पे दस्तक नहीं दिया करते थे बल्कि इंतजार करते थे कि हुजूर दरवाजा खोले तो अंदर तशरीफ ले जाएं। अल्लाह अकबर, मौलाए कायनात इस इंतजार में है कि दरे दौलत पर इत्तला दी जाए कि अली आ गया है। उतने में अबू बकर सिद्दीक भी तशरीफ ले आए आका से मिलने के लिए, हुजूर की जियारत के लिए। अब आए तो मेरे नबी के दोनों यार एक साथ नबी की चौखट पर, नबी के दरवाजे पर दोनों एक साथ खड़े हो गए, दोनों एक साथ जमा हो गए। अब सुन्नियों का मजमा और मौला अली और सिद्दीक अकबर का मुकालमा, दोनों की गुफ्तगू, दोनों में बात क्या हो रही है, दोनों में गुफ्तगू क्या हो रही है। अल्लाह अकबर, मौला अली कहते हैं अबू बकर पहले आप अंदर जाएं, और सिद्दीक अकबर कहते हैं नहीं अली पहले आप अंदर जाएं। अब अल्लाह अल्लाह, ये पहले आप और पहले आप में होता क्या है। अब जरा हदीस की तरफ चलते हैं। याद रखें, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जब अल्लाह अल्लाह, वहाबिया का हाल ये है कि जब नबी की फजीलत पढ़ो तो उनको हदीस की सनद ही में ज़ौफ नजर आने लगता है, किताब ही में ऐब नजर आने लगता है। अपने मतलब की होगी तो फिर किसी की भी कबूल हो जाएगी, और अपने मतलब की नहीं होगी तो फिर बुखारी में भी कहने लगेंगे कि ऐसा भी लिखा जा सकता है। याद रखो, अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाबियत ज़ैन के लोग नहीं है और ना राफिज़ियत ज़दा लोग हैं, हम तो किताब नहीं देखते, महबूब का कौल अगर दीवार पे लिखा हो उसे भी मान लेते हैं। हमें किताब से क्या मतलब, हम तो नबी पे ईमान लाए हैं, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। आज ऐसे ही राफिज़ियत और खारिजियत के टट्टू कर रहे हैं कि जो उनके मतलब की नहीं होती, कहते हुए तो ये ऐसी है,
फिर मुस्तदरक को भी रिजेक्ट कर देते हैं, फिर तिर्मिजी की सनद भी उनको ज़ईफ नजर आने लगती है। लेकिन हम वो लोग नहीं, क्योंकि अल्लाह की अदालत में कयामत में मुंह दिखाना है। यहाँ कोई कितना भी तहकीक के नाम पे दहशत गर्दी मचा ले, अल्लाह के यहाँ खड़े होना एक दिन। पब्लिक को कितना भी बेवकूफ बना ले, अब वो हस्तियां कब्रों में मौजूद है, वो तो लड़ने नहीं आएंगे ना जिनकी अजमत पे हमला कर रहे हो। लेकिन अल्लाह हय्यु कय्यूम, उसका ऐलान है जो मेरे वली से दुश्मनी रखे मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ। जब वली से दुश्मनी रखे ऐलान जंग करता हूँ, सहाबा तो इस उम्मत के अफजल औलिया में अगरचे इस्तिलाए सहाबा उर्फ आम में उनको लोग वली नहीं कहते, लेकिन उम्मत के अव्वलीन औलिया वो लोग हैं। ये जो औलिया जिनका उर्फ में कहते हैं उनकी गुलामी करते हैं, दाता साहब दाता अली हजवारी लिखते हैं कशफुल महजूब में, कशफुल महजूब में दाता साहब ने लिखा, ना रसूलुल्लाह की तरह कोई पीर है, ना अबू बकर सिद्दीक की तरह कोई मुरीद है। ये अली का बेटा कह रहा है, अली का बेटा कह रहा, दाता साहब फरमा रहे हैं उन जैसा कोई मुरीद नहीं। अब बताओ नबी के मुरीद बेमिसाल मुरीद को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। तो मैं वो हदीस लेकर हाजिर हुआ हूँ और आपकी तवज्जो चाहता हूँ। लेकिन सुनियो एक एक हदीस के जुमले पर आपकी तवज्जो और फिर उस पर आपको क्या कहना, ये सुननी अच्छी तरह समझते हैं। मेरी आदत नहीं कि मैं कहूँ कि हाथ उठा के सुबह अल्लाह कहो, आपको कहूँ कि नारा लगाओ, ये नहीं। आपकी ईमान पे छोड़ना है, आपकी अकीदत पे छोड़ना है कि नबी के दोनों यार जो हमारा ईमान का हिस्सा है, हमारे अकीदे का हिस्सा है, हमारी मोहब्बतों की पहचान है, अलामात है हमारी मोहब्बतों की, हमारे मसलक की हक्कानियत की दलील है, वो दोनों नबी ये पाक के दरवाजे पे खड़े हैं और कहते हैं पहले आप पहले आप। ये पहले आप और पहले आप कब होता है पता है? जब दिल में इज्जत होती है तब होता है। चाय भी आती है तो लोग कहते हैं पहले आप ले लें, पहले आप ले लें, कुर्सी भी आती है पहले आप, पहले आप बैठ जाएं, पहले आप बैठ जाएं। ये पहले आप और पहले आप मोहब्बत होती है तब होता है, और जब नफरत होती है तो होता है पहले तो मैं। तो सहाबा मैं वाले नहीं थे, सहाबा आप वाले थे। हुजूर ने उनकी मैं को खत्म कर दिया था, हुजूर ने उनकी मैं को खत्म कर दिया था। अल्लाह अकबर। तो आइए बहुत खूबसूरत मंजर में हाड़गुड़ से निकलकर मदीने मुनव्वरा चलते हैं, तसव्वुरात की दुनिया में, तखज्जुलात की दुनिया में, और तसव्वुर ये करते हैं इस तसव्वुर के साथ कि अल्लाह के रसूल का आस्ताना है। कुर्बान जाए जिस दरवाजे पर जिब्रील भी परों को समेट कर आते हों, उस आस्ताने पर दोनों यार खड़े हैं। आस्ताना बेमिसाल, आस्ताने वाला बेमिसाल, पहले आप और पहले आप करने वाले दोनों बेमिसाल, और गुफ्तगु भी बेमिसाल, उनकी दलीलें भी बेमिसाल। अब आइए सैयदना सिद्दीक अकबर को मौला अली कहते हैं। भाई सिद्दीक अकबर पहले आप अंदर जाए, मौला अली से सिद्दीक अकबर कहते हैं नहीं भाई अली पहले आप अंदर जाएं। दोनों एक दूसरे को अंदर भेज रहे हैं। अब दोनों जब आप करते हैं तब यूं बात नहीं बनती, दोनों में से कोई आगे नहीं जाता। तो ऐसे में अब मौला अली चूंकि बाबे मदीनतुल इल्म हैं, वो दलील की जबान में बात करने लगते हैं, वो दलील पढ़ने लगते हैं। लेकिन सिद्दीक अकबर भी कोई छोटे मोटे आलिम तो नहीं थे ना, अल्लाह अल्लाह नबी की सोहबत में हर वक्त रहने वाले सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने भी जब अली पाक ने दलील की जबान खोली तो सिद्दीक ने भी दलील की जबान खोली, और अब दोनों दलील एक दूसरे की पेश कर रहे हैं फजीलत की। दोनों एक दूसरे की फजीलत बयान कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की, क्योंकि कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, फजल वाले फजल वालों को जानते हैं। हकीर लोग जलील लोग फजल वालों की अजमत का अंदाजा नहीं कर सकते। जो अफजल होता है वही अफजल को जानता है, जो आला होता है वही आला को जानता है। तो सैयदना सिद्दीक अकबर और मौला अली दोनों कहते पहले आप पहले आप पहले आप। अब मौला अली कहने लगे ए अबू बकर मैं उस शख्स से आगे नहीं बढ़ूंगा। मौला अली अब दलील की जबान में बात करते ए अबू बकर मेरे भाई उस शख्स से मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जिसकी फजीलत बयान मेरे आका ने की और मैंने अपने कानों से अपने नबी को यह फरमाते हुए सुना। मौला अली कह रहे क्या फरमाते हुए सुना, नूरुल अबसार की रिवायत है। अली पाक कहते हैं अबू बकर पहले आप जाएं,
क्योंकि मैंने आपकी शान अपने नबी से यूं सुनी अपने कानों से कि मेरे आका ने फरमाया कि मेरे बाद अबू बकर से अफजल किसी शख्स पर सूरज गुरूब नहीं हुआ और ना ही तुलू हुआ, यानी अंबिया के बाद अल्लाह की पूरी मखलूक में अगर किसी को अफजल होने का शरफ हासिल है तो वो अबू बकर सिद्दीक को हासिल है। जब जिसके लिए नबी ने ये फरमा दिया तो मैं उससे आगे कैसे बढ़ सकता हूँ? अबू बकर पहले आप अंदर जाएं, ये बात कर कौन रहा है? अली वालों, हम तो इसी को मानते हैं। क्यों? इसलिए कि हम मौलवी के कहने पे क्यों आए? हमारा मौला कह रहा है कि नबी ने फरमाया अंबिया के बाद अफजल तरीन हस्ती को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। अच्छा, ये बात अली ने कही, अली ने, और आज तक औलादे अली इस पर यकीन भी रखती है, ईमान भी रखती है और यूं ऐलान करती है, मर्तबा हजरते सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत के सिवा। थोड़ा आवाज खुलवा दीजिए। हुजूर सैयद मोहम्मद की चौचवी मुहद्दिस है के चौचा, मामूली आदमी नहीं, मुहद्दिस है के चौचा। यार के चौचा की बिल्ली भी बेमिसाल है, के चौचा की बिल्ली भी सूफी और पंडित में फर्क करती है, के चौचा का पंछी परिंदे की शक्ल में हाफिज़े कुरान हो जाता है। जहां के बिल्ली और तोते का जवाब नहीं, वहां के मुहद्दिस का क्या जवाब? वो मुहद्दिस आज़म हिंद कहते मर्तबा हजरत सिद्दीक का, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद। सिद्दीक का मर्तबा बयान किया तो साथ में अपना नसब भी बयान किया कि कोई ऐरा गैरा नहीं कह रहा है, अली का औलाद की का बेटा कह रहा है, अली की औलाद। मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत के सिवा। क्यों? मौला अली ने कहा अबू बकर पहले आप जाएंगे, आप थक गए तो बात इसी पे खत्म होगी, और अगर नहीं थके हैं तो फिर आपको सिद्दीक अकबर का मर्तबा समझ में आना चाहिए। मौलाए कायनात ने कहा अबू बकर पहले आप जाएंगे, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना कि अंबिया के बाद सूरज किसी पे तुलू व गुरूब नहीं हुआ, मगर वो ये कि अफजल हस्ती हो वो अबू बकर के अलावा कोई नहीं। अब सिद्दीक अकबर की मनकबत किसने पढ़ी? अली पाक ने, मौला अली ने पढ़ी। सिद्दीक कहाँ चुप रह सकते थे? वो छोटे दिल वाले लोग नहीं थे, उनकी तकरीरें लिफाफों की बुनियाद पे नहीं होती थी। हाँ, उनकी गुफ्तगू मजमे की मसलहतों की बुनियाद पे नहीं होती थी, वो तो अल्लाह के लिए जबान खोलते थे क्योंकि वो नबी वाले थे। जब मौला अली से सुना कि अबू बकर से अफजल कोई नहीं अंबिया के बाद, तो सिद्दीक अकबर ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, अली आप जाएंगे, अली आप जाएंगे, इसलिए कि मैंने भी हुजूर से सुना है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैंने भी अपने आका से सुना है कि मैंने अपने खानदान में सबसे बेहतर इंसान के साथ अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सारे सहाबा, फैजान मौला अली, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नबी का खानदान बेमिसाल, और उस बेमिसाल खानदान में आका फरमाते, और ये कौन कह रहा है? अबू बकर सिद्दीक के हुजूर ने फरमाया कि मैंने अपने खानदान के सबसे बेहतर इंसान के साथ अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया है। नबी के खानदान में उनसे बेहतर कोई, अगर अल्लाह की मखलूक में अंबिया के बाद अबू बकर से अफजल कोई नहीं, तो खानदान नबूवत में अली से बेहतर कोई नहीं।
हुजूर कह रहे हैं, और कौन बयान कर रहा है? सिद्दीक अकबर। अब पता चला अली की मनकबत पढ़ना ये सिद्दीक अकबर की सुन्नत है, और सिद्दीक की मनकबत पढ़ना ये अली की सुन्नत है। इसलिए हम सुन्नी मनकबत अली भी पढ़ते हैं, मनकबत सिद्दीक भी पढ़ते हैं। जो अली अली करता देख करके डरे, ये शिया तो नहीं हो गया? उनसे पूछो राबजी क्या मनकबत पढ़ेंगे अली की। और जो सिद्दीक की मनकबत को सुन करके सोचे ये खारजी तो नहीं हो गया, नासबी तो नहीं हो गया, नासबी के बाप की औकात है वो सिद्दीक की मनकबत पढ़े। ये शान तो अल्लाह ने सिर्फ सुन्नियों को अता फरमाई है। हमारी जबान नबी की नात भी पढ़ती है, अली की मनकबत भी पढ़ती है, सिद्दीक की मनकबत भी पढ़ती है, शहीदों की अजमत भी बयान करती है, गौसो खाजा की मनकबतें भी बयान करती है। और हम तो सिर्फ गौसो खाजा तक भी नहीं रुकते, उनको तो मानते ही, हम कहते नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है, जो हुजूर का गुलाम हो जाए वो हमारे सर का ताज है। तो अब मौलाए कायनात की मनकबत भी सिद्दीक अकबर ने पढ़ दी, लेकिन वो मौला अली के कहां चुप रहते। उन्होंने कहा नहीं अबू बकर, पहले तो आप ही जाएंगे। नहीं अबू बकर मेरे भाई, पहले तो आप ही जाएंगे, मैं नहीं। क्यों? अब दलील की जबान। इसलिए पहले आप जाएंगे क्योंकि हुजूर को मैंने फरमाते सुना इन कानों से, अली के कानों ने सुना कि मेरे आका ने फरमाया ऐ लोगों, अगर इब्राहिम खलीलुल्लाह का सीना कोई देखना चाहे, मौला अली कह रहे हैं अगर इब्राहिम खलीलुल्लाह का सीना कोई देखना चाहे तो मेरे अबू बकर सिद्दीक के सीने को देख लिया करें। सीने सिद्दीक को तशबीह दी जा रही है खलीलुल्लाह के सीने से। कौन दे रहा है? मेरे आका। बयान कौन कर रहा है? रावी तो देखो, अली पाक कह रहे हैं, मौला अली, मौला अली कह रहे हैं कि मेरे आका ने फरमाया इब्राहिम खलीलुल्लाह का सीना देखना हो तो अबू बकर को के सीने को देख लो। जब खलीलुल्लाह के सीने में कीना नहीं तो अतीकुल्ला अबू बकर के सीने में कीना कैसे हो सकता है? और कौन कह रहे हैं? मौला अली। इसलिए अबू बकर पहले आप जाए, क्योंकि हुजूर ने आपके सीने को खलील के सीने से तशबीह दी, आप पहले जाएंगे। वो भी कहां चुप रह सकते थे, नबी के शागिर्द थे, डायरेक्ट शागिर्द, बिना किसी वास्ते के शागिर्द है सिद्दीक अकबर। कोई कहता है मैं फलां का शागिर्द हूं, मैं फलां का शागिर्द हूं, मैं फलां का, क्योंकि मेरा उस्ताद ऐसा था। सिद्दीक अली का उस्ताद वो था जिसको कुरान सिखाने वाली जात अल्लाह की है। अगर ये कह दूं तो बेजा नहीं होगा, दो वास्तों से जो अल्लाह के शागिर्द हैं, दो वास्तों, हुजूर अल्लाह के शागिर्द हैं, हुजूर अल्लाह के शागिर्द, अल्लाह से पढ़ा हुजूर ने, और फिर हुजूर से किसने पढ़ा? सहाबा ने और इन लोगों ने। तो जब सिद्दीक के बारे में मौला अली ने कहा ना कि आका ने फरमाया कि खलील का सीना देखना है तो अबू बकर का सीना देखो, इसलिए पहले आप जाएंगे, वो कहा नहीं पहले तो आप ही जाएंगे, क्योंकि मैंने भी हुजूर से सुना, मैंने भी सुना। सिद्दीक अकबर अब बोलने लगे मैंने भी सुना कि मेरे आका ने फरमाया। देखो क्या बढ़ बढ़ के एक दूसरे की फजीलत पढ़ रहे हैं, एक दूसरे की शान कैसे बयान कर रहे हैं, फजाइल कैसे पढ़े जा रहे हैं। सिद्दीक अकबर कहते हैं अली पहले तो आप ही जाएंगे क्योंकि मैंने भी हुजूर से ये सुना है कि जो हुस्न यूसुफ को देखना चाहे, जो हुस्न यूसुफ को देखना चाहे, जो हुस्न यूसुफ को देखना चाहे, आदम के उलूम को देखना चाहे, इस मूसा की नमाज को देखना चाहे, ईसा के जोहदो तकवा को देखना चाहे, फिर से सुने सिद्दीक अकबर अली पाक की मनकबत पढ़ रहे हैं, जो आदम का इल्म, यूसुफ का हुस्न, मूसा की नमाज, ईसा का सौदो तकवा और मोहम्मद अरबी का खुल्के अजीम देखना चाहे वो मेरे अली को देखा करे। नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजान सिद्दीक अकबर, फैजान सिद्दीक अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसा लग रहा है कि शायद पीछे वाले कुछ थकते नजर आ रहे हैं, मैं सिर्फ इतना देख जानना चाहता हूं कि वो थके या नहीं इतना बता दे, क्योंकि मुझे उनका भी ख्याल है। थक गए आप लोग?
यार जबान मुझ गुनेगार की है ना, कलमात तो सिद्दीक अकबर के हैं, जबान मुझ गुनेगार की, कलमात तो मौला अली के हैं। अली पाक कहते हैं कि सिद्दीक का सीना मेरे आका ने फरमाया, इब्राहिम खलीलुल्लाह का सीना जो देखना चाहे वो अबू बकर का सीना देखे। और अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आदम के इल्म के जलवे, यूसुफ के हुस्न के जलवे, अल्लाह अकबर, मूसा की नमाज, ईसा का सौदो तकवा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का खुल्क अजीम देखना है तो अली को देखा करे। सिद्दीक कह रहे हैं मौला अली ने सुना, सुनने के बाद चुप नहीं हुए, अली थे चुप नहीं हुए, उन्होंने फिर एक फजीलत बयान की मौला अली ने की। इसके पूरे जिम्मेदार नूरुल अफसार के मुसन्निफ है, मैं सिर्फ नकल कर रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी इतनी। मौला अली ने कहा नहीं है अबू बकर, पहले तो आप ही जाएंगे। इतना सुनने के बाद वो फूलने वाले लोग नहीं, फूलने वाले कम ज़र्फ होते हैं, तारीफ सुनकर फूलने वाले कम ज़र्फ होते, एक दूसरे की फजीलतें बयान करने वाले, एक दूसरे की शाने पढ़ने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह, मौलाए कायनात का नहीं अबू बकर, पहले तो आप ही जाएं, पहले आप जाएंगे, पहले आप, क्योंकि मैंने हुजूर को फरमाते सुना कयामत का दिन होगा। अली पाक कह रहे हैं, सिद्दीक अकबर की मनकबत मौला अली बयान कर रहे हैं, कयामत का दिन होगा, कयामत के दिन लोग मैदाने महशर में आएंगे, रोते धोते आएंगे, हसरतों निदामत के साथ आएंगे, परेशान हाल आएंगे, अफसुर्दगी में आएंगे, रंजो गम में आएंगे। लेकिन अबू बकर, वो जो कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन जब लोग रोते धोते हसरतों निदामत के साथ आएंगे, उस दिन मेरे नबी ने फरमाया और मैंने अपने कानों से सुना कि अल्लाह का मुनादी निदा कर रहा होगा कि ए अबू बकर, तुम और जो जो तुमसे मोहब्बत करता था वो सब एक साथ जन्नत में तशरीफ ले जाओ। कौन कह रहा है? मौला अली। सब रोते धोते होंगे, अल्लाह का मुनादी कहेगा अबू बकर और उससे मोहब्बत करने वाले, इसी को कहते हैं दो दो हाथ में लड्डू। हम सुन्नियों के तो क्या वारे न्यारे होंगे, और मुहर्रम के काले कपड़े वालों का हाल क्या होगा वो भी देखने वाला होगा। कुछ लोग ऐसे जो सीना पीटते हैं मुहर्रम में, कुछ ऐसे जो रबीउल अव्वल में पीटते हैं। ना हम रबीउल अव्वल में पीटने वाले हैं, ना हम मुहर्रम में पीटने वाले हैं। गमे हुसैन में आंसू जरूर बहाते हैं लेकिन पीटते नहीं है, इसलिए कि वही सीना पीटा जाने के काबिल है जिसमें सहाबा की दुश्मनी है। कुछ लोगों को रबीउल अव्वल में बड़ा गम हो जाता है कि देखो हुजूर का विसाल हुआ, ये सुन्नी जश्न मना रहे हैं, और कुछ लोगों को मुहर्रम में बड़ी तकलीफ होती है, ये देखो 10 दिनों की महफिलें, हजरत अमीर हमजा की नहीं मनाई 10 दिन की महफिल, फलां की नहीं मनाई, तो तू मना, तूने भी कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ाने का भी एहसान किया, तूने भी कलमा पढ़, सब हम ही पे डालता है, ये तो हम सुन्नियों का जिगर है। अरे नादान 10 दिन की महफिल की क्या बात करता है, हम तो नमाज भी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं करते जब तक के जिक्र अहले बैत नहीं कर लेते। हमारी नमाजें भी अहले बैत के दुरूद के साथ मुकम्मल होती है। और एक बात आपको बताऊं, उसमें सहाबा का जिक्र भी आता है और उसमें औलिया का जिक्र भी आता है। हमारी नमाज जिक्र अहले बैत, जिक्र सहाबा, जिक्र औलिया, जिक्र अंबिया के साथ है। कैसे? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, नबी का जिक्र आ गया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, उसके बाद वाल इबादिल्लाहिस सालिहीन, इबादिल्लाही सालेहीन में सहाबा भी आ गए, अहले बैत भी आ गए, औलिया भी आ गए, बल्कि अपने आप को भी नहीं छोड़ते, गरीब गुनेगार सुन्नियों को भी नहीं छोड़ते। क्या वाला इबादिल्लाही सालेहीन अस्सलामु अलैना, इसलिए कि अलैना की तशरी हमारे यहाँ ये है कि नबी ने फरमाया मुझ पर भी और मेरे गुनेगार उम्मतियों पर भी। वाला इबादिल्लाही सालेहीन बिरहमति का यार हमारा इन पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आते हैं, फिर माँ बाप को भी हम याद करें, इतने वफादार हैं, अंबिया की याद, साहबा की याद, औलिया की याद, अहले बैत की याद, माँ बाप को भी नहीं छोड़ते। फिर उसके बाद आते अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया, माँ बाप को भी याद करते हैं, वले मन तवालदा वरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, फिर उसके बाद पहचान वाले, बेपहचान वाले, फिर सबको याद करते हैं।
यानी किसी सुन्नी को नहीं भूलते अपनी नमाज में। अब जब सुन्नी को नहीं भूलते तो नबी को कैसे भूल जाए। लोग कहते नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। यार हम तो अनजान सुन्नियों को भी याद करते हैं, और ये दुआ हमने नहीं गढ़ी, गुजरात में, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, सऊदी में बैठकर दुआ नहीं गढ़ी गई, ये हुजूर ने दिया। अस्सलाम अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। उसके बाद हम जब आते हैं अल्लाहु मगफिर, दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद अल्लाहु मगफिर ली वली वालिदैया वली मन तवालदा, अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और उन पर ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मुझ पर रहम किया था। यग़फिरुल्लाहुम्मा लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, जितने मोमिनीन है सबको बख्श दे और सारी मोमिनात को भी बख्श दे, जितने मुस्लिमीन है उनको भी बख्श दे, मुस्लिमात को भी बख्श दे। ये अपनी नमाज है, लोग नमाज ही नहीं समझ सके आज तक। नमाज में सब आ गए। अब एक बात आपको और बताऊं आगे बढ़ने से पहले, जो नमाज में मोमिनीन मोमिनात और मुस्लिमीन मुस्लिमात की मगफिरत की दुआ कर रहा हो, वो नमाज से बाहर आने के बाद क्या मोमिनों से लड़ेगा? तो कहीं हम भी नमाज को नहीं समझ सके कि नमाज के अंदर जिसकी मगफिरत के लिए दुआ कर रहे थे, नमाज के बाद उसके लिए सोचते कि इसका धंधा बैठ जाए। ये मुनाफिकत नहीं है तो क्या है? नमाज में कुछ कह रहे हैं, नमाज के बाहर कुछ कह रहे हैं। तो नमाज में जिसके लिए मगफिरत की दुआ कर रहे हो, जरा नमाज के बाहर उससे भी कुछ मोहब्बत करो। तो मैं बात आगे ना बढ़े इसलिए, काफी टाइम भी हुआ, शॉर्ट करते हैं। आइए, सरकार मौला अली ने कहा कि अबू बकर निदा होगी, मैंने अपने नबी से सुना कि तुम और तुम्हारे तुमसे मोहब्बत करने वाले जन्नत में जाएंगे। अबू बकर सिद्दीक ने कहा लेकिन मैं पहले नहीं जाऊंगा, पहले तो आप ही जाएंगे। पहले तो मिलके बोले, पहले तो अली, पहले तो आप जाएंगे। अब सिद्दीक ने उत्तर पेश कर रहे हैं, क्यों? इसलिए कि जंगे हुनैन और जंगे खैबर में हुजूर अलैहिस्सलाम के साथी जानशीन अव्वल, खलीफे अव्वल, इमाम सहाबा, सालार सहाबा, अज़दकुस सादिकीन, सैयदुल मुत्तकीन, इमामुल मुत्तकीन, अतकाई सुम्मत का अतका सिद्दीक अकबर कहते हैं अली पहले तो आप ही जाएंगे, क्योंकि मैंने अपने कानों से सुना, देखा कि हुनैन, जंगे हुनैन और खैबर में जब दूध और खजूर का हदिया अल्लाह की तरफ से आया, दूध और खजूर का हदिया हुनैन और खैबर में अल्लाह की तरफ से आया, हो ये रहा था हुजूर देंगे किसको? हुजूर अल्लाह का हदिया हुजूर तक आया, हुजूर देंगे किसको? तो सरकार सिद्दीक अकबर कहते हैं अली हमने देखा जब अल्लाह का हदिया आया अपने नबी के पास तो नबी ने फरमाया ये तालिबो गालिब अल्लाह की तरफ से हदिया अली इब्ने अबू तालिब के लिए है, तो जिसको खुदा हदिया भेजे उसके आगे मैं कैसे जा सकता हूँ, इसलिए अली पहले तो आप जाएंगे। उसके बाद फिर ये हुआ, मौला अली ने कहा नहीं नहीं पहले तो आप ही जाएंगे, अबू बकर पहले आप जाएंगे, क्यों? क्योंकि मैंने हुजूर को कहते हुए सुना अबू बकर मेरी आंख है, जिसको नबी अपनी आंख कहें, जिसको हुजूर अपनी आंख कहें, मैं उससे पहले नहीं जाऊंगा, अबू बकर पहले तो आप ही जाएंगे। अब जरा जल्दी जल्दी चलते हैं। कहा अबू बकर जिसको हुजूर अपनी आंख कहें उससे पहले मैं नहीं जा सकता। देखो अली पाक क्या मानते हैं सिद्दीक अकबर, नबी की आंख, जो नबी के नालायन की तौहीन करे वो काफिर हो जाता है, जिसको नबी पाक अपनी आंख कह दे, नबी पाक जिसको अपनी आंख कह दे। अब आप कहें नहीं नहीं वो तो आंख यूं ही कहा था, नबी का कहना यूं ही नहीं होता। जब सलमान फारसी को कह दिया कि सलमान मेरी अहले बैत में से है, तब लोग उनको फारस का बेटा नहीं कहते, नबी की अहले बैत से मानते। तुम्हारा कहना यूं ही होगा, नबी का कहना यूं ही नहीं होगा। बोलो सलमान फारसी को अहले बैत से मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते, क्योंकि हुजूर ने कहा मेरी अहले बैत से है, हुजूर ने उनको अपनी अहले बैत से कह दिया तो हमने मान लिया। सिद्दीक अकबर को अपनी आंख कहा, ये मोहब्बत की अलामत है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो क्या कहते हैं? ये मेरी आंख है, मेरी आंखों की ठंडक है, ये मेरा दिल है, ये मेरा कलेजा है ना? इसीलिए हम अहले बैत से भी प्यार करते हैं, क्यों? क्योंकि नबी ने अहले बैत को अपने कलेजे का टुकड़ा कहा, अपने जिगर का टुकड़ा कहा, और सिद्दीक से इसलिए प्यार करते हैं कि उनको अपनी आंख कहा। ना नबी के कलेजे से लड़ सकते हैं, ना नबी की आंखों से लड़ सकते हैं, इसीलिए तो अहले सुन्नत व जमात पर है। और मेरी कौम के जवानों तुमको भी यही कहता हूं, ईमान बचाना है, ईमान बचाना है तो दोनों से वफा करो,
सहाबा और अहले बैत सबसे वफा करो, ईमान बचेगा, वरना ईमान भी सलामत न रह सकेगा। तो मौला अली ने कहा कि अबू बकर मैं तुमसे आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे आका ने कहा अबू बकर मेरी आंख है। फिर उसके बाद सिद्दीक अकबर कहते अली मैं भी तुमसे आगे नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? इसलिए कि मैंने अपने नबी को फरमाते हुए सुना कि कयामत का दिन होगा, कयामत के दिन अली अपनी सवारी पर आएंगे। कयामत के दिन अली अपनी, लोग कैसे कैसे आएंगे हसरतों निदामत से, कुछ लोगों के बदन पे तो कपड़े भी नहीं होंगे, हैं? कुछ लोगों को चलना मुश्किल हो रहा होगा। उस दिन महशर में सिद्दीक अकबर कह रहे हैं अली सवारी पर आएंगे, ये हुजूर ने फरमाया। और उस वक्त एक मुनादी निदा करेगा, मोहम्मद का दुनिया में एक बेहतरीन वालिद था, मोहम्मदी अरबी का दुनिया में एक बेहतरीन वालिद था और एक बेहतरीन भाई था। जो बेहतरीन वालिद था उसे इब्राहिम खलील कहते हैं, और जो बेहतरीन भाई था उसको अली इब्ने अबू तालिब कहते हैं। इसलिए अली पहले तो आप ही जाएंगे। फिर समौला अली कहने लगे नहीं नहीं अबू बकर पहले तो आप जाएंगे, नहीं नहीं अबू बकर पहले तो आप जाएंगे, क्योंकि मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना। क्या फरमाते हुए सुना? सुनो मौला अली की जबान से सिद्दीक अकबर की मनकबत। मौला अली कहते हैं अबू बकर पहले आप जाएंगे, क्योंकि मैंने अपने नबी को फरमाते हुए अपने कानों से सुना कि कयामत का दिन होगा, बरोज़े कयामत जन्नत का खासिम जिसका नाम रिजवान है रिजवान, और जहन्नम का दारोगा जिसका नाम है मालिक मालिक। खासिन जन्नत रिजवान और दारोगा जहन्नम मालिक, ये दोनों जन्नत और जहन्नम की चाबियां लेकर आएंगे, और चाबियां लेकर आकर दोनों रिजवान और मालिक अबू बकर के हाथ में दे देंगे। अबू बकर ये जन्नत और जहन्नम की चाबियां है, आप जिसे चाहे वो जन्नत में जाए, आप जिसे चाहे वो जहन्नम में जाए। चाबी किसके हाथ में है? मत लड़ो, नबी की शान है, चाबी अबू बकर को थमा दी और मर्जी अली को थमा दी। क्या हिकमत है! हुजूर के जहन में ये मंजर रहा होगा कि कुछ छुट भैये कुछ ना कुछ करेंगे, तो हुजूर ने चाबी का मालिक नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। मुख्तारे कुल ने चाबी सिद्दीक को दी और मर्जी अली। इरशाद फरमाया अली जिसको चिट्ठी देंगे वही जन्नत में जाएगा। चाबी सिद्दीक के पास, चिट्ठी का इख्तियार अली के पास। अच्छा, इसकी रिवायत, चिट्ठी की रिवायत किसके पास? सिद्दीक अकबर के पास। मौला अली को देख के सिद्दीक मुस्कुराए, ये दूसरी हदीस है, इसमें नहीं है, दूसरी हदीस। पूछा अली पाक ने क्यों मुस्कुराते हो मेरे भाई अबू बकर? देखो जो जिससे जलता है ना उसको देख के मुस्कुराता नहीं। और सिद्दीक तो वो थे, अम्मा आयशा फरमाती हैं कि जब भी महफिल में अली मौजूद होते तो मेरे बाबा अली को ही देखते रहते, मेरे बाबा अली को ही देखते रहते। मैंने पूछा बाबा आप महफिल में किसी को नहीं देखते, अली को तकते हैं? फरमाया बेटी मैंने रसूलुल्लाह से सुना अली की ज़ियारत इबादत है। जो अली का चेहरा देखना इबादत कहे वो अली से लड़ कैसे सकते हैं? नहीं नहीं, लेकिन यहाँ तो ये होता है ना, नहीं नहीं अबू बकर सिद्दीक जब खलीफा बन गए तो अली बयत नहीं कर रहे थे, ये गड़ा जाता है इंटरनेट पे। आप इसी को सुन के मुतासिर होते ना, बयत नहीं कर रहे थे। फिर क्या हुआ? कहा उनके गले में रस्सी डाली गई, उनके गले में चैन डाली गई, जंजीर, और खींच कर अली को मस्जिद नबवी तक लाया गया और कहा गया जबरदस्ती बयत करो, तो अली ने बयत की। वारे राफजियो, कैसे अली से तुम प्यार करते हो? इतना कमजोर है तुम्हारा अली जिसके गले में रस्सी डाल दी जाए, जिसके गले में जंजीर डाल दी जाए? वल्ला ये रावजियों का कोई होगा। हम सुन्नी जिसको अली मानते हैं, और हम सुन्नियों का जो अली है वो ऐसा अली है कि दुनिया में कोई रस्सी ही नहीं बनी जो अली की गर्दन में डाली जा। हमारे अली का तो नाम इतना पावरफुल है, कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जश्न सालारे साहबा फैजाने मौला अली नारे हैदरी। हम सुन्नियों का अली इतना कमजोर नहीं, जब तीन दिन भूखा प्यासा रखकर जबरदस्ती अली के छोटे बेटे से बयत नहीं ली जा सकती। सुभान अल्लाह, वाह वाह। घर से निकाल कर, घर से निकाल कर हुसैन के बाप अली से बयत कैसे ली जा सकती है? वाह वाह, बेशक, वाह वाह। हमारा अली अली असगर से बयत नहीं ले सके, अली अकबर से बयत नहीं ले सके, तो अली अकबर और अली असगर के बाप अली के पाक उनसे कोई बयत जबरदस्ती कैसे ले सकते? अली ना चाहते तो नहीं ले सकता था कोई बयत, लेकिन अली पाक ने बयत की, जबरदस्ती नहीं की। सिद्दीक की सदाकत को सामने रख के की और एक तारीखी जुमला कहा, सिद्दीक अकबर से बयत की और एक तारीखी जुमला कहा, जिसको मेरे नबी ने हमारे दीन के लिए चुना हमने उसको अपनी दुनिया के लिए चुन लिया। अली पाक का अकीदा तो ये है। और आप कहते हैं रस्सी डाली गई, और रावजियो ऐसे तो तुम्हें मुबारक, हमें हमारा अली तो बहुत ताकत वाला है। आज भी सुन्नियों के बच्चे गिरते हैं तो गिरते गिरते या अली कहते हैं। हाँ, हम अली का नाम सियासत के लिए नहीं लेते, हम अली का नाम इबादत के लिए लेते हैं। हाँ, और वल्लाह जो नाम गिरते गिरते अली का जबान पे आता है, हड्डी टूटने वाली नहीं टूटती, ये हमारा अकीदा है। कोई दिल से लेके तो देखे, अली को दिल से पुकार के तो देखे। ये मनकबत के तौर पे, नात को मनकबत के तौर पे पढूं। कहते हैं बड़े मजे में, कहते हमारा खुदा का लुत्फ हुआ होगा दस्तगीर जरूर, खुदा का जिक्र, खुदा का लुत्फ हुआ होगा दस्तगीर जरूर, जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा। अली वो है, इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है, वो अली है। मौला अली ने कोई जो है वो बैत से इनकार नहीं किया, बैत की और की, और ये कहकर की कि जिसको नबी ने हमारे दीन के लिए मुंतखब किया। क्या जुमले थे, ये अली ही कह सकते थे, बैत की। और एक बात याद रखना, जिसके हाथ पे अली बैत कर ले उस इमाम की अजमत का आलम क्या होगा। जिसके हाथ पे अली बयत करते हैं, जिसके हाथ पे उमर इब्ने खत्ताब बयत करते हैं, जिसके हाथ पर हसनैन करीमैन बयत करते हैं, जिसके हाथ पर अशरे मुबशरा बयत करते हैं, उसी इमाम को दुनिया सिद्दीक अकबर के नाम से जानती है। लेकिन आइए, अब पूरी हदीस नहीं पढ़ूंगा, बात खत्म, इसलिए कि टाइम हो गया, फिर किसी मौके पर पूरी हदीस पढ़ी जाएगी। आखिरी पढ़ता हूं, एंड पढ़ता हूं जी। चार लोग के कहने से क्या होगा, चालू रखो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मौलाए कायनात ने कहा, आप जिस, अब बताओ, जब सिद्दीक के इख्तियार से लोग जन्नत में जा सकते हैं, जब गुलाम का इख्तियार ये है, तो उनकी आका मुस्तफा जाने रहमत के इख्तियार का आलम क्या होगा। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। फिर उसके बाद सिद्दीक अकबर ने अब भी कहा, मैं तो नहीं, आप ही जाएंगे।
इतना सुनकर भी अली आप ही जाएंगे, क्योंकि मैंने सुना है अपने इन कानों से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैदाने महशर में महशर के दूल्हा मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया कि मेरे पास जिब्रील आए और जिब्रील ने आकर कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपसे और आपके भाई अली से मोहब्बत करता है, अल्लाह आपसे और आपके भाई अली से मोहब्बत करता है। हुजूर ने फरमाया मैंने सजदा शुक्र अदा किया कि मैं भी महबूब हूँ, अल्लाह का महबूब तो हूँ और मेरे सदके मेरा भाई अली भी महबूब खुदा है। फिर जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह वो सिर्फ आपसे और अली से मोहब्बत ही नहीं करता बल्कि वो फातिमा को भी महबूब बना रखा है, फातिमा से भी मोहब्बत करता है। मैंने फिर सजदे शुक्र अदा किया तो जिब्रील ने फिर कहा या रसूल अल्लाह आप और अली से भी मोहब्बत है, फातिमा से भी मोहब्बत है और इनके दोनों बेटे हसन और हुसैन को भी अल्लाह मोहब्बत करता है, यानी पूरा खानदान ही महबूब है, पूरा खानदान ही महबूब है। इसलिए मैं आपसे आगे नहीं बढ़ूंगा, अली आपसे आगे नहीं बढ़ूंगा, आप आगे जाएं। मौला अली ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना कि अगर पूरी दुनिया का ईमान, मौला अली कह रहे हैं सिद्दीक अकबर को बेईमान कहने वाले बेईमानों सुनो, मौला अली कह रहे हैं कि मैंने अपने नबी को फरमाते हुए सुना कि पूरी कायनात का पूरी जमीन वालों का ईमान एक पल्ले में रखा जाए और अबू बकर का ईमान दूसरे पल्ले में रखा जाए तो अबू बकर का ईमान सबसे वजनी होगा। इसलिए अली पहले तो आप ही, अबू बकर पहले तो आप ही जाए, मौला अली कह अबू बकर पहले तो आप ही जाए। सिद्दीक ने कहा नहीं पहले तो आप ही जाएंगे क्योंकि मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना जब कयामत का दिन होगा तो कयामत के दिन अली, उनकी औलाद, उनकी जौजा मोहतरमा सैयदा फातिमा ये सब सवारी पर बैठ कर आएंगे तो महशर वाले देखकर पूछेंगे ये कौन नबी है। अली की शान बीवी और बच्चों के साथ आता देखकर महशर में महशर वाले ये कौन नबी है जो इस शान से आ रहा है, कौन नबी तो जवाब दिया जाएगा ये नबी नहीं है बल्कि अल्लाह का हबीब अली इब्ने अबू तालिब है जो ईशान से मैदाने महशर में आ रहा है। इसलिए अली पहले आप जाए मैं नहीं, मौला अली ने कहा नहीं पहले तो आप जाइए क्योंकि मैंने भी अपने कानों से हुजूर को कहते हुए सुना, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया अली जन्नत के 8 दरवाजे, जन्नत के 8 दरवाजे हैं और कयामत के दिन ऐलान होगा ए अबू बकर जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो आप जन्नत में दाखिल हो जाओ, 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा तो मैं आपके आगे नहीं जाऊंगा। सिद्दीक अकबर ने कहा मैं आपसे आगे नहीं बढ़ूंगा पहले तो आप ही जाएंगे क्योंकि मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना, आका को कहते हुए सुना। आका ने क्या कहा सिद्दीक अकबर से, अबू बकर जन्नत में मेरा महल है, मेरे सामने इब्राहिम खलीलुल्लाह का महल है और उन दोनों के बीच में एक महल और है, वो महल अली इब्ने अबू तालिब का महल है। इसलिए अबू बकर सिद्दीक कहते अली पहले तो आप ही जाएंगे फिर उसके बाद। सिद्दीक अकबर ने जब ये कह दिया तो मौला ने कहा नहीं पहले आप जाएंगे क्योंकि मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना आसमान वाले अबू बकर सिद्दीक की जियारत करते हैं इसलिए पहले आप जाएंगे। फिर सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा नहीं पहले तो आप जाएंगे इसलिए कि अल्लाह ने आपकी और आपकी औलाद के मुतालिक कुरान में आयत नाजिल फरमाई कि ये वो लोग हैं जो यतीम को, मिस्कीन को और असीर को खाना खिलाते हैं अल्लाह की रजा के लिए। कुरान की आयत कोट कर दी सिद्दीक अकबर ने, मौला अली ने भी फिर कुरान की आयत ही लाई, हदीस चल रही थी तो हदीस, अब कुरान की आयत तो कुरान की आयत। मौला अली कहते नहीं पहले तो आप ही जाएंगे, क्योंकि आपके लिए भी कुरान की आयत आई है कि मेरे अल्लाह ने फरमाया और जिसने सच लाया और उसने सच की तस्दीक की तो यही वो लोग हैं जो परहेजगार हैं, उस आयत से मुराद वल्लदी जा बिस्सिद्क। ये मौला अली कह रहे हैं आपके लिए भी कुरान में आयत आई है इसलिए पहले तो आप जाएंगे। अब ये पहले आप और पहले आप और पहले आपकी गुफ्तगू होती रही, अब एंड हो रही है बात, हदीसें पढ़ दी गई, कुरान भी आ गया लेकिन दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ने को तैयार। इससे हमें पता चला, बात आखिरी में पहुंचाने, हदीस का आखिरी टुकड़ा पढ़ने से पहले, अगर खिलाफत का इख्तियार सिद्दीक अकबर और मौला अली के हाथ में दे दिया जाता
कि कौन खलीफा बने, तो अल्लाह सिद्दीक कहते अली बने, अली कहते सिद्दीक बने। तो जब दरवाजे के अंदर जाने में इतनी एहतियात है, दरवाजे के अंदर जाने में इतनी एहतियात खिलाफत के उमूर संभालने में, लेकिन चूंकि वो सकीफा बनू सायदा में अचानक बयात हुई थी, अचानक हुई थी बयात, और वो हादसाती तौर पे बयात कर ली गई थी, तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह से मौला अली ने सिर्फ इतना कहा कि हम नबी के घर वाले थे, इतने बड़े मसले में हमसे मशवरा तो करना था। और सिद्दीक अकबर ने जो सच्ची सच्ची बात थी वो कर दी कि तुम लोग उस वक्त हुजूर अलैहि सलाम के पास थे और वहां फितना उठ गया था, हम फितना खत्म करने गए थे और अचानक ऐसा माहौल बन गया कि बयत का, तो हमने बयत ले ली, लेकिन अगर अब भी आप किसी और को मुंतखब करना चाहते हैं तो मैं मिंबर से नीचे उतरता हूँ, आप जिसको चाहे मुंतखब कर लें। और सिर्फ मौला अली का फरमान क्या था, कहना क्या था, जहन साफ कर लो। मौला अली कहते हमें आपकी खिलाफत पे एतराज नहीं, बात ये थी कि मशवरा क्यों नहीं हुआ। जब आपने बता दिया कि मशवरा नहीं होने की वजह कि हम रसूलुल्लाह के जनाजे मुबारका के पास थे, हम हुजूर अलैहि सलाम के जसद अकदस के पास हुजूर के हुजरे में थे, बुलाने जैसी पोजीशन ही नहीं थी, तो हम आप पर की खिलाफत से इतराज नहीं करते। जिसको हुजूर ने हमारी दीन के लिए मुंतखब किया, हमने उसको अपनी दुनिया के लिए मुंतखब किया। हुजूर अलैहि सलाम ने अपनी हयात में सिद्दीक अकबर को मुसल्ले पे खड़ा किया था, इससे किसी को एतराज नहीं, इस पर कोई शक नहीं करता, क्योंकि सबने देखा कमोबेश 16 या 17 वक्त की नमाजें सिद्दीक अकबर ने रसूलुल्लाह के मसल्ले पे पढ़ाई। अब आप कहते हैं कि वो तो उनको मुंतखब कर रहे थे, वो तो क्या चलें, खिलाफत का मसला तो हुजूर के विसाल के बाद तय हुआ, क्या नमाज का मसला भी हुजूर के विसाल के बाद तय हुआ? बल्कि मना किया गया कि सिद्दीक को खड़ा मत करो, ये हदीस है बुखारी में, मना किया गया, मशवरा दिया गया कि मत खड़ा करो। आका ने फरमाया अबू बकर क्या उनको बुलाओ मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाएं, तो उनकी मुकद्दस शहजादी पाक तैयबा ताहिरा जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, सिद्दीका बिन्त सिद्दीक, अम्मा आयशा सिद्दीका ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे बाप बड़े नरम दिल है, वो आपके मुसल्ले पे खड़े रहेंगे तो सिर्फ रोएंगे, वो नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे, आप किसी और को हुक्म दें। आका ने शहीदी जौजा प्यारी बीवी के मशवरे के बाद फिर कहा अबू बकर को बुला के खड़ा करो, फिर सिद्दीका ने कहा हुजूर वो नहीं पढ़ा सकेंगे। आका ने फरमाया तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर की औरतों की तरह औरतें हो। ये भी हुजूर ने नाराज होके नाराजगी का इजहार करते फरमाया और फरमाया कि मेरे मुसल्ले पे अबू बकर ही होंगे, और एक मकाम पे फरमाया जिस काम में अबू बकर मौजूद हो किसी को हक नहीं कि अबू बकर की मौजूदगी में वो मुसल्ले इमामत पे पढ़े। ये सारी चीजें वल्लाह मौलाए कायनात की मोहब्बत ईमान की अलामत है, और हम मौला अली मुश्किल शाह की मोहब्बत में जर्रा बराबर किसी से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो मकाम सिद्दीक का है वो है, जो मकाम मौला अली का है वो है, जो मकाम फारूक आजम का है वो है, जो मकाम उस्मान गनी का है वो है। हम किसी को अपनी तबीयत से नहीं मानते, हम नबी पाक के फरमाने से नहीं थे, हुजूर ने जिसको जो मर्तबा दे दिया दे दिया, हुजूर की अता पे हम राजी है। इसलिए मैं अपनी बात खत्म करते हुए कह रहा हूँ कि खुदा के लिए ये गड़े हुए वाकयात पे तवज्जो न देना, दोनों से प्यार करो, बल्कि सारे सहाबा अहले बैत से प्यार करो, एहतराम करो। अगर किसी की तारीफ नहीं कर सकते तौहीन भी मत करना, तौहीन का अंजाम कुफ्र है, कुफ्र, तौहीन का अंजाम गुम रही है, गुम रही। ईमान पे खात्मे की भी लाले पड़ जाएंगे, शिफा शरीफ उठा के देखो क्या बात करते हो, शिफा शिफा शरीफ आजकल की तो नहीं लिखे ना, शिफा दिलों का शिफा है, जिसमें वो शिफा शरीफ काजी अयाज ने लिखा है, उसमें एक शख्स मर रहा था, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आता था, उसकी जबान पे कलमा नहीं आता था, पूछा गया तू कलमा क्यों नहीं पढ़ता, बातें तो सब कर लेते कलमा क्यों नहीं पढ़ता, उसने कहा क्या करूं जिंदगी में अबू बकर उमर के गुस्ताखों के साथ बैठता था, जिंदगी में वो बकर उमर के गुस्ताखों के साथ बैठता था, इसलिए जबान पे कलमा नहीं आ रहा, गुस्ताखी नहीं करता था, गुस्ताखों के साथ बैठता था। इसलिए किसके साथ बैठना ये भी तय करो, अगर मरना है ईमान पर, शिफा उठा के देखे काजी अयाज की शिफा शरीफ उठा कर देखे, मेरी जिम्मेदारी मैं आपको बता सकता हूं, हाँ
लेकिन खुदा के लिए यहां भी एक बात और सुन लो, जब सिद्दीक और फारूक के गुस्ताख के साथ बैठने वाले उसकी जबान पे मरते वक्त कलमा नहीं आता, तो जो नबी के दुश्मन और गुस्ताखों के साथ रिश्तेदारियां करते हैं, अपनी बेटियां देते हैं, उनकी बेटियां लेते हैं, उनकी जबान पे मरते वक्त कलमा कैसे आएगा? इसलिए ये आसान नहीं है, ये शहादत के उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तो चले बात खत्म कर रहा हूं मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन एक छोटी सी बात अकीदे की और कह दूं। ये भी बात कही जाती है कि फातिमतु जहरा का विसाल हुआ तो अली इतने नाराज थे और सैयदा इतनी नाराज थी कि अबू बकर सिद्दीक को खबर भी नहीं दी गई कि उनका विसाल हो गया। बहुत गढ़ते हो लेकिन कहते हो समझते नहीं। जब तुम ये कहते हो ना, कहते तो ना कि अबू बकर को बताया तक नहीं गया कि सैयदा का विसाल हो गया, सुनो। लेकिन साथ में तुम ये भी कहते हो कि सैयदा फातिमा जब बीमार हुई तो उनकी खिदमत करने वाली उनकी घर में एक औरत थी, उसी औरत का नाम हजरत अस्मा बिनते उमैस था। सब यही कहते हो, शिया सुन्नी सबका इत्तेफाक इसी पर है कि बीमारी में किसने खिदमत की? अस्मा बिनते उमैस ने। सिद्दीक अकबर को नहीं पता था ना कि बीमार है, विसाल है, यही ना, यही ना। और खिदमत कौन कर रहा था? अस्मा बिनते उमैस। जनाजा किसने बनाया था? अस्मा बिनते उमैस। अब जरा अस्मा ये कौन है, इस पर चीटिंग क्यों करते हो? ये भी तो पूछो अस्मा कौन है, अस्मा बिनते उमैस कौन है? ये अबू बकर सिद्दीक की बीवी है, ये अबू बकर सिद्दीक की बीवी है। जब सैयदा बीमार हुई तो सिद्दीक अकबर ने अपनी बीवी को अपने घर से भेजकर कहा कि जाओ सैयदा की खिदमत करो। सैयदा पाक की खिदमत में कौन थी? आपने अपनी बीवी की तरह समझ रखा है अस्मा को कि बगैर इजाजत कहीं भी चली जाए? जब अस्मा बिनते उमैस सिद्दीक अकबर, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, उनके लिए कह रहा हूं जो ये बात करते हैं, उनके लिए ये खबर नहीं थी। आप तो बहुत अच्छे हैं, आपकी बीबियां भी अच्छी हैं, आप जोड़े से हैं तकरीर में, मुझे पता है। हाँ, इस शहादत से सिर्फ इस वक्त मैं महरूम हूं, इसलिए कि मुसाफिरत में हूं, या फिर मेरे भाई हाफिज अब्दुल रहीम साहब, वो भी मेरे शरीके सफर हैं। हाँ, अर्ज कर रहा था कि अस्मा बिनते उमैस सिद्दीक अकबर की बीवी, और हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बीवी शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो अस्मा बिनते उमैस जब खिदमत में गई है सैयदा के लिए, तो सिद्दीक अकबर की इजाजत से गई, तो अस्मा को बीवी को पता है कि सैयदा बीमार और तीमारदारी में लगी हुई है, और मौला और सिद्दीक अकबर को खबर नहीं। इस तरह की बातें ना उड़ाया करो। जिसके पास जो इल्म से अक्ल से पैदल है वो तो मान सकते हैं। सिद्दीक अकबर की बीवी खिदमत करती रही, और सुन्नियों के पास दो रिवायत है, एक तो अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी की रिवायत है कि सैयदा ने खुद गुसल किया और फरमाया कि मेरे विसाल के बाद मुझे गुस्ल मत देना, मेरे बदन को कोई ना देख सके, और फिर उनको गुस्ल नहीं दिया गया, एक रिवायत में। दूसरी रिवायत यह कि सैयदा को गुस्ल जिसने दिया वो हजरत अस्मा बिनते उमैस, गुस्ल देने की रिवायत भी हजरत अस्मा की है। जनाजा जिसने तैयार किया, इसलिए कि उस दिन उन दिनों मदीने मुनव्वरा में खुली हुई खाट पर रख करके जनाजे ले जाए जाते थे। सैयदा बड़ी फिक्रमंद बैठी थी बीमारी की हालत में, हजरत अस्मा बिनते उमैस ने पूछा बीबी फिक्रमंद क्यों हो? वो कहा कि जिंदगी में किसी ने नहीं देखा, इंतकाल का वक्त करीब है, या मुलाकात का वक्त करीब है, बाबा के पास जाने का वक्त करीब है, सोचती हूँ उसी खुली हुई खाट पर मुझे भी ले जाएंगे तो मेरे जिस्म पर लोगों की नजर पड़ जाएगी, ये मुझे फिक्र हो रही है। तो हजरत अस्मा ने कहा बीबी जब मैं हिजरत करके हबशा गई थी, हबशा में मैंने देखा था कि वहां जनाजा डोली वाला होता है, तो मैं वो जनाजा तैयार कर दूं। तो उनकी हयात में सैयदा अस्मा बिनते उमैस ने वो डोली वाला जनाजा तैयार करके रखा, ये पसंद है आपको? तो सैयदा ने पहली मर्तबा बाबा के विसाल के बाद 6 महीने के बाद पहली और आखिरी बार मुस्कुराया था। आज मेरी हया के तहफ्फुज़ का इंतजाम हो गया।
सिद्दीक अकबर को नहीं पता, इस तरह की बात ना किया करो, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। मुझे नहीं पता मेरे जाने के बाद कितने लोग गालियां देंगे या क्या करें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मैं हक बात कह दूं, बात खत्म करते हैं। चलिए बहरहाल, ये पहले आप हो रहा था, आसमान वाले वो मंजर देख रहे थे, ऐसे में जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में आ गए, हुजूर के हुजरे में आ गए, सरकार जिब्रील अमीन हुजूर मुस्तफ़ा जाने रहमत सैयदुल अबरार मुस्तफ़ा करीम के हुजरे में आ गए और अदब व एहतराम के साथ आका की बारगाह में सलाम पेश किया, और सलाम पेश करने के बाद अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, सातों आसमान के फरिश्ते एक मंजर देख रहे हैं, सातों आसमान के फरिश्ते एक मंजर देख रहे हैं, आप भी जरा वो मंजर बाहर आकर मुलाहिजा फरमाएं कि दरवाजे पर आपका अली और आपका अबू बकर, आपका सिद्दीक और आपका अली, आपके तरबियत याफ्ता आपके दोनों यार आपके दरवाजे पे खड़े हैं और वो अंदर आना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे से वो सबकत नहीं करते। अबू बकर कहते हैं अली पहले आप जाएंगे, और अली कहते हैं पहले आप जाएंगे। हुजूर ये मंजर फरिश्ते देख रहे हैं और अल्लाह इस मंजर को से बहुत खुश है, बहुत राजी है, और अल्लाह ये फरमा रहा है कि अब आप जाएं और आप ही फैसला करें कि पहले कौन आए, आप ही फैसला करें कि क्या फैसला करना है, आप ही जाके सालिस की हैसियत से, हकम की हैसियत से आप फैसला करें। या रसूल अल्लाह ये फैसला आप करें, क्योंकि दोनों की गुफ्तगू अल्लाह सुन रहा है और अल्लाह ने दोनों को रहमतों और रिजवान में ढांप लिया है, दोनों के हुस्न अदब को देखकर अल्लाह ने दोनों को रहमतों और रिजवान में ढांप लिया है, दोनों को रहमतों और रिजवान में ढांप लिया है। पता चला अल्लाह की रजा और रहमत चाहिए तो सिद्दीक की मनकबत भी पढ़ो, अली की मनकबत भी पढ़ो, सिद्दीक का एहतराम भी करो, अली का एहतराम भी करो, अल्लाह रहमत और रिजवान में ढांप लेगा। दोनों का हुस्न अदब देखकर अल्लाह ने दोनों को इस्लाम और ईमान और हुस्न अदब की चादर में ढांप दिया है। या रसूल अल्लाह आप भी जाकर उस मंजर को मुलाहिजा करें। हुजूर उठे, उठकर काशाने अकदस से बाहर आए, जब आका काशाने अकदस से बाहर तशरीफ लाए तो दोनों अदब के साथ खड़े हो गए, सरकार ने दोनों को प्यार से देखा, दोनों की पेशानी चूमी, आका ने दोनों की पेशानी चूमी और मुस्कुरा कर फरमाया, ए अबू बकर और ए अली, दोनों एक दूसरे की फजीलत बयान कर रहे हो, अब सुनो दोनों की फजीलत क्या है। आका फरमाए, अगर पूरे समुद्र तमाम समुद्र रोई बनाई जाए